नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपेरिजन लेकर आया हूँ दो काफ़ी अच्छे फ़ोन के बीच में। जी दोस्तों, मेरे पास दोस्तों एक रेडमी का नोट 7 प्रो और दूसरा है दोस्तों सैमसंग का F41। तो दोस्तों वैसे तो इन दोनों के बीच में कोई कंपेरिजन बनता नहीं है, क्योंकि इन दोनों की दोस्तों प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की प्राइस में, और दोस्तों जो फीचर हैं वो भी दोस्तों काफ़ी अलग हैं। बट दोस्तों अभी जो रियलमी का 7 प्रो हमें जिस प्राइस पर मिल रहा है, उस प्राइस के हिसाब से इन दोनों के बीच में काफ़ी कंपेरिजन बनता है। तो इसलिए दोस्तों मैंने इन दोनों के बीच में ये कंपेरिजन किया है और आपको बताऊंगा कि इन दोनों की दोस्तों प्राइस क्या है और इन दोनों में हमें दोस्तों क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, और अगर आपको कोई फ़ोन लेना है तो आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो दोस्तों सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इन दोनों की प्राइस की, क्योंकि दोस्तों डिफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है कि इन दोनों की दोस्तों प्राइस है वो क्या है। तो दोस्तों सैमसंग का F41, इसकी प्राइस 206 GB और 128 GB वाले वेरिएंट की प्राइस है अभी 14,500 रुपये, जो आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा और आप इसे अपनी मार्केट से भी ले सकते हो। बट दोस्तों जो ये फ़ोन है रियलमी का 7 प्रो, इसकी प्राइस है दोस्तों 19,990 रुपये, जो 20,000 रुपये है 6 GB और 128 GB वाले वेरिएंट की। बट दोस्तों मैंने ये फ़ोन फ्लिपकार्ट सेल से खरीदा था 16,000 रुपये में। तो दोस्तों 14,500 रुपये का ये फ़ोन है, और अगर आपके पास ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है सेल के ऊपर दोस्तों, जब सेल चलती है तो उसमें दोस्तों हमें बैंक ऑफर मिलता है, तो बैंक ऑफर लगाने के बाद दोस्तों हमें ये फ़ोन सिर्फ 15,000 रुपये का मिल जाता है। तो दोस्तों 14,500 और 15,000 रुपये में सिर्फ 500 रुपये डिफरेंस है। तो प्राइस दोस्तों दोनों ही सेम है, जब सेल चलती है तो दोनों ही प्राइस सेम हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों मैं इसका कंप्लेंट किया। तो दोस्तों अब मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाऊंगा एकदम लाइव कि आपको इनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ इसमें दोस्तों एकदम सिमिलर देखने को मिलती हैं, और दोस्तों ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें इनमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये दोनों मेरे पास फ़ोन, ये वाला है दोस्तों मेरे पास सैमसंग का F41, ये देखिए, और ये वाला है दोस्तों रियलमी का 7 प्रो। तो आप दोस्तों बैक से पता लगा सकते हो कि आपको दोस्तों कौन सा फ़ोन प्रीमियम लग रहा है। सैमसंग का F41 दोस्तों, इसकी दोस्तों ये लुक है, वो डिज़ाइन है दोस्तों काफ़ी पुरानी है, क्योंकि आपको इस फ़ोन में बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों ये जो फ़ोन है रियलमी 7 प्रो, इसका दोस्तों बैक थोड़ा दोस्तों ऐसा लगता है जैसे काफ़ी प्रीमियम फ़ोन है दोस्तों ये, और दोस्तों ये प्लास्टिक है पर देखने में दोस्तों ये ग्लास बॉडी लगती है। और दोस्तों इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर, और इसका मिलता है बैक में। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट के मामले में सैमसंग का F41 इससे पीछे रह जाता है। और दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन में आपको 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगाने का स्लॉट देखने को मिलता है, यानी दोस्तों आप दोनों ही फ़ोन में ट्रिपल स्लॉट लगा सकते हो, और दोनों ही फ़ोन दोस्तों डुअल 4G नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही फ़ोन दोस्तों 4G फ़ोन है, एक भी इनमें 5G कोई नहीं है। और दोस्तों इसके कैमरे की बात की जाए तो इसके बैक में सैमसंग F41 में आपको 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है, जबकि जी दोस्तों जी रियलमी 7 प्रो है इसमें आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सैमसंग के दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, और रियलमी का भी दोस्तों सैमसंग की तरह ही 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। बट दोस्तों रियलमी में हमें एक कैमरा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 3 मिलते हैं, इसमें आपको मिलते हैं 4। दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो दोनों ही फ़ोन में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बट दोस्तों कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो आप डिस्प्ले पे फोटो देख सकते हो, सेल्फी कैमरा दोस्तों सैमसंग का ज़्यादा अच्छा है रियलमी के सामने, और दोस्तों बैक कैमरा आप देख सकते हो रियलमी का ज़्यादा बेटर है सैमसंग के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा हो और बाकी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं है, तब आपको दोस्तों सैमसंग का F41 लेना चाहिए। बट दोस्तों आपको सेल्फी खींचने का इतना शौक़ नहीं है और आप थोड़ी हल्की फुल्की सेल्फी अगर ज़्यादा अच्छी भी नहीं आती प्रीव्यू से काम चला सकते हो, बट आपको बैक कैमरा काफ़ी अच्छा चाहिए तब आपको दोस्तों रियलमी 7 प्रो की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो सेल्फी कैमरा है, क्योंकि दोस्तों इसका जो मेन कैमरा है रियलमी 7 प्रो का वो सैमसंग के कैमरे के सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपने फ़ोटो देखे हैं आप उनसे पता लगा सकते हो। तो दोस्तों बैटरी के मामले में बात करें तो सैमसंग में आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी, और रियलमी में आपको मिलती है 4500mAh की बैटरी। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन आपको एक दिन का बैकअप आसानी से दे देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि जब आप रियलमी के फ़ोन को चार्ज करते हो उसके चार्जर से, तो दोस्तों ये 40 मिनट से पहले ही अपने फ़ोन को फुल चार्ज कर देता है। वहीं दोस्तों सैमसंग की बात करें तो इसके साथ दोस्तों जो चार्जर आता है उससे दोस्तों इसको चार्ज करने में समथिंग दोस्तों 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो चार्जिंग के मामले में दोस्तों
रियलमी 7 प्रो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कम टाइम में फुल चार्ज होने को देखने को मिल जाता है ये फ़ोन। और सैमसंग का फ़ोन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, और चार्ज होते टाइम दोस्तों थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ी बैटरी 6000 mAh की, तो थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है। डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो दोनों ही फ़ोन की बेस्ट डिस्प्ले दोस्तों सेम है, थोड़ी सी बैटरी हल्की सी रियलमी 7 प्रो की थोड़ी सी बड़ी है, हल्की सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको रियलमी में 6.44 इंच की डिस्प्ले दी गई है, और सैमसंग में आपको दी गई है 6.4 इंच की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है दोनों। बट दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की एक सी है, क्योंकि दोनों ही में दोस्तों आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है दोनों ही डिवाइस के अंदर। दोस्तों साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट रियलमी में आपको दोस्तों डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इसकी दोस्तों साउंड क्वालिटी रियलमी की सैमसंग के सामने काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों ईयर पीस के बाद बात करें फिर भी दोस्तों दोनों की साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों अब रह जाता है इसका दोस्तों प्रोसेसर यानी परफॉर्मेंस। दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में आपको मिलता है एक्जीनोस का 9611 जो दोस्तों काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, और सैमसंग ये आपको काफ़ी डिवाइस में देता चला आया है। वहीं दोस्तों बात कर रियलमी 7 प्रो की, तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G जो दोस्तों एक काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, और इसमें आप गेमिंग भी कर सकते हो काफ़ी अच्छी वाली, क्योंकि दोस्तों सैमसंग में अगर आप गेमिंग करते हो ज़्यादा हैवी तो दोस्तों आपका फ़ोन थोड़ा हीट भी हो सकता है और लैगिंग तो करता ही है। वहीं दोस्तों रियलमी 7 प्रो में आप कितनी भी हैवी गेमिंग करो आपका फ़ोन हीट नहीं होगा, और ना ही दोस्तों ये लैगिंग करेगा, बिल्कुल भी दोस्तों ये लैग नहीं करता ना ही हीट होता, क्योंकि इसमें दोस्तों ये प्रोसेसर दिया गया है वो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है गेमिंग के हिसाब से। और मल्टीटास्किंग की बात करें तो उसमें भी दोस्तों सैमसंग का F41 कभी कभी लैग कर जाता है, लेकिन रियलमी का दोस्तों रियलमी 7 प्रो जो बिल्कुल भी लैग नहीं करता। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इंटरफेस की, तो दोस्तों ये देखिए सैमसंग की दोस्तों UI है वो एकदम काफ़ी क्लियर होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और दोस्तों रियलमी में आपको दी गई है गूगल की तरफ से, जैसे गूगल की जो UI होती है उस तरीके से। तो अब आपके ऊपर आपकी पसंद है कि आपको किस तरह की UI पसंद आती है, ये सैमसंग है या रियलमी है, आप इससे देख सकते हो कि आपको कौन सी UI ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि दोस्तों दोनों की UI काफ़ी अलग है। बट दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको सैमसंग की UI काफ़ी पसंद आती है, इसीलिए दोस्तों सैमसंग का फ़ोन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। और दोस्तों अब बात करें कॉल क्वालिटी की, तो सैमसंग में आपको दोस्तों ये कॉल का ये डायलर मिलता है जो मिलता है सैमसंग की तरफ से, और वहीं दोस्तों रियलमी में आपको मिलता है गूगल वाला। तो जिन लोगों को दोस्तों एक लेटेस्ट कॉल डायलर चाहिए तो उनको दोस्तों सैमसंग का पसंद आने वाला है, क्योंकि जो गूगल का होता है वो एकदम सिंपल होता है। और दूसरी बात दोस्तों, आप सैमसंग में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, इसके अंदर इनबिल्ड सिस्टम दिया गया है, ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड हो जाता है अगर आप लगाना चाहते हो तो। लेकिन दोस्तों अगर आप रियलमी में कॉल रिकॉर्ड लगाना चाहते हो तो दोस्तों जब आप इसमें कॉल रिकॉर्ड लगाओगे तो सामने वाले बंदे को पता लग जाता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये बात इसमें मुझे एक अच्छी नहीं लगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो कॉल रिकॉर्ड करना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड करने से दोस्तों कोई टेंशन नहीं होती जब कोई अर्जेंट बात करनी होती है तब। लेकिन बट दोस्तों रियलमी 7 प्रो में ये सिस्टम ऐसा नहीं है सैमसंग की तरह, इसमें आपको सामने वाले बंदे को पता लगा देता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। दोस्तों आपको अगर ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें आपको गेमिंग नहीं करनी, आपको कोई टेंशन नहीं है गेमिंग से या फिर ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस से, आपको सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए फ़ोन चाहिए, तो आप सैमसंग का F41 ले सकते हो, जो दोस्तों देखने में दोस्तों आगे से दोस्त सेम लगते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है सैमसंग का। ये पीछे दोस्तों थोड़ा पुराना लगता है, लेकिन आप कवर लगाओगे इस पर कवर लगा के रखते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो, रियर कैमरा काफ़ी अच्छा हो, और दोस्तों डिज़ाइन भी दोस्तों काफ़ी प्रीमियम लगे देखने में, इस तरीके से देख सकते हो आप, तो दोस्तों आपको सैमसंग की रियलमी की तरफ जाना चाहिए, रियलमी 7 प्रो की तरफ, क्योंकि रियलमी 7 प्रो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, और बैटरी के मामले में दोस्तों जो काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो दोस्तों प्राइस में दोस्तों इनमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि सैमसंग का F41 मिलता है आपको 14,500 रुपये का 6GB और 128GB वाला वेरियंट। वहीं दोस्तों रियलमी 7 प्रो की बात करें तो ये मिलता है आपको 20,000 रुपये का 6GB और 128GB वाला वेरियंट। बट दोस्तों फ्लिपकार्ट पर आपने देखा होगा सेल चलती रहती हैं, तो जब दोस्तों आप इस फोन को सेल से खरीदोगे रियलमी 7 प्रो को, तो ये आपको 15,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है सेल के अंदर। तो दोस्तों 15,000 रुपये में आपको काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है, काफ़ी तगड़े कैमरे मिल रहे हैं, और काफ़ी अच्छा चार्जर और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन देखने को मिल रही है रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों
आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए और दोस्तों कब लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों क्लियर वीडियो है, क्योंकि जिन लोगों को सैमसंग ब्रांड पसंद आती है वो इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, उनको सैमसंग का फ़ोन ही चाहिए होगा। चाहे दोस्तों परफॉर्मेंस कैसी भी हो, अगर उनको सैमसंग चाहिए तो सैमसंग ही चाहिए। बट दोस्तों जिन लोगों को कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कोई ब्रांड हो, क्योंकि दोस्तों रियलमी भी काफ़ी अच्छी ब्रांड है, काफ़ी अच्छी सर्विस होती है इनकी, तो दोस्तों जिन लोगों को ब्रांड से कोई मतलब नहीं है उनको चाहिए एक ऐसा फ़ोन जो दोस्तों एक परफेक्ट फ़ोन हो, ऑलराउंडर फ़ोन हो, तो दोस्तों वो लोग इस फ़ोन को ले सकते हैं, रियलमी 7 प्रो को, जो दोस्तों आपको सेल के अंदर 15,000 रुपये तक का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन अपने लिए लेना चाहिए और कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा और कौन सा फ़ोन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।